ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, जैसा आप बच्चों को याद होगा हम हमारे ईवेस्ट यानी एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी में हमने समझ लिया ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमको पता है क्या किस तरीके से अलग अलग सिस्टम ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग काम होते हैं। हमने ऑर्गन सिस्टम के नेम तक जान लिए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम उन्हीं ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उन ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं और वो चीजें कैसे वर्क करती हैं। हम हमारी बुक में सबसे पहला हमारा ऑर्गन सिस्टम अगर हम देखें और हम उसको अच्छे से रीड करें और एक एक वर्ड का मतलब समझे तो द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के साथ साथ आपको एक इमेज दिख रही होगी आपकी बुक में कि हमारे पास हड्डियों का एक ढांचा जैसा हमें बुक में गिवन है, तो आपको रफ आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। अ स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। व्हेन यू प्रेस योर बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस, जब आप अपनी बॉडी को अलग अलग प्लेसेस से प्रेस करेंगे, अलग अलग प्लेसेस से प्रेस करेंगे, द हार्ड पार्ट दैट यू फील आर बोन्स। जो आप हार्ड पार्ट फील करते हैं, जैसे मैं अभी अपने हैंड को प्रेस कर रहा हूं तो मुझे एक हार्ड काफी मजबूत सा एक पार्ट फील हो रहा है, वो क्या है बच्चों, वो है बोन, जिसे हम हड्डी कहते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा क्या, जैसे आप अपना हाथ टाइट पकड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे हाथ में भी हड्डी है, हमारे फिंगर्स में भी हड्डी है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, बोन यानी हड्डी। उसके बाद हमें क्या गिवन है, देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन सिस्टम। अब क्या होता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स होती हैं। कितनी बच्चों, 206 टोटल बोन्स होती है हमारे ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में। दे आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म बोनी फ्रेम। अब क्या होता है, एक दे जॉइंट टुगेदर, हर बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, टू फॉर्म बोनी फ्रेमवर्क। क्या बोनी फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है, हड्डियों का ढांचा। अब फ्रेमवर्क का मतलब हो गया ढांचा और बोनी यानी हड्डियों वाला, तो हड्डियों का ढांचा बनाते हैं कैसे हैं, जितनी भी हड्डियां होती हैं, जैसे मेरे एक कलाई की हड्डी है, ये मेरे इस हड्डी से जुड़ी हुई है, ये इस हड्डी से जुड़ी हुई है, ये इस हड्डी से जुड़ी हुई है, इस तरीके से पूरा हाथ मेरी बॉडी से जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से मेरी पूरी बॉडी एक साथ जुड़ी हुई है। तो बोनी फ्रेमवर्क यानी हड्डियों का ढांचा उन 206 हड्डियों से एक दूसरे से जुड़ जुड़कर बनता है। दे आर जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म बोनी फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। जो इकट्ठा हड्डियों का ढांचा होता है पूरी बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं स्केलेटन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। अब मेरा हाथ है, मेरे हाथ में फिंगर्स है, मेरा हाथ में हड्डी है, इसलिए मेरे हाथ का शेप है। मान लीजिए मेरे हाथ में हड्डी नहीं होती तो मेरे हाथ का कोई शेप ही नहीं होता। कोई अगर मेरे हाथ में हड्डी नहीं होती, मान लीजिए हड्डी टूट जाती है, तो मेरा हाथ ऐसे बीच में से लटक जाएगा। तो यही चीज होती है, जो बोन होती है वो हमको एक टाइट फ्रेम प्रोवाइड कराती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी ऐसे शेप बना के रखती है। ठीक है, एक शेप और स्ट्रक्चर देती है। मेरे हाथ का ऐसा स्ट्रक्चर है सिर्फ हड्डी की वजह से, और मेरे हाथ का और मेरी बॉडी का इस तरीके का शेप है वो भी सिर्फ और सिर्फ बोन की वजह से, यानी हड्डी की वजह से। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन। अगर आप देखें तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। किस तरह से, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि हमारा रिब्स है, यानी जो रिब केज है हमारा, इसके अंदर हमारे हार्ट भी सिक्योर हुआ हुआ होता है, हमारे लंग्स भी सिक्योर हुए हुए होते हैं, हमारे जितने भी अंदर के जितने भी बॉडी के ऑर्गन है वो बाहर हड्डियों से कवर्ड है। हमारा सर, हमारे सर में भी एक हड्डी की एक ऐसा आप देखेंगे तो स्कल बना हुआ होता है, स्कल की मदद से हमारा जो ब्रेन होता है वो सिक्योर होता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स। ये हमारे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हार्ट और लंग्स इनको प्रोटेक्ट करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड। जो बैकबोन हमारी होती है उसके अंदर बहुत सारी नसें होती हैं, उसके पीछे बहुत सारी स्पाइन्स होती है, जिस वजह से हम उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारी बैकबोन, वो भी हड्डी की बनी हुई होती है। एंड रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। मैंने आपको बताया कि रिब केज होता है, हमारी रिब्स होती है, वो किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे लंग्स और हार्ट को। द
मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट. द मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट. जहां पर दो हड्डियां मिल रही हैं, यानी मेरे ये अपर आर्म के यानी ऊपर वाले हाथ के ऊपर वाले हिस्से की हड्डी है और ये नीचे वाले हाथ के हिस्से की हड्डी है, ये यहाँ पे जुड़ रही है, तो इसको बच्चों हम बोलते हैं जॉइंट. क्या बोलते हैं? जॉइंट. इसके बाद में एट जॉइंट्स द बोन्स आर प्लेस्ड सच वे दैट मेनी ऑफ देम कैन बी मूव्ड इन ओवर वन अनदर. अब क्या होता है, जो हड्डियां होती है वो कुछ इस तरीके से प्लेस होती है कि वो एक दूसरे पे मूव कर सकती है, यानी हड्डी मूवेबल है. इस जॉइंट से मेरा हाथ मूव कर पा रहा है, ठीक है. दैट इज वाई पर्सन इज एबल टू मूव सेवरल पार्ट ऑफ हिज बॉडी एट द सेम टाइम. अब क्या होता है, अलग अलग हड्डी जुड़ी हुई अलग अलग तरीके से, तो मैं इस हाथ को भी मूव कर सकता हूँ, इस हाथ को भी मूव कर सकता हूँ, अलग अलग डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये मूवेबल पार्ट है. ये मेरी हड्डी इस तरीके से जुड़ी हुई है कि मेरा हाथ मूव कर सकता है. अब इसके बाद में हमारा आता है मस्क्यूलर सिस्टम. कौन सा बच्चों? मस्क्यूलर सिस्टम. मस्क्यूलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स. जो मस्क्यूलर सिस्टम होता है बच्चों, मसल्स से मिलके बना होता है. मसल्स आप जानते होंगे, जो हमारी मांसपेशियां होती है, जो हमारे मसल्स होते हैं, ये कि हड्डी के ऊपर भी एक हमारे पास लेयर होती है स्किन से नीचे, जैसे ये पूरा है ये, तो ये मसल कहलाता है. तो मसल का जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? मस्क्यूलर सिस्टम. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आर बॉडी. हमारे बॉडी में 600 से ज्यादा मसल्स होती हैं, ठीक है. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स. जितनी भी मसल्स होती है वो हड्डियों से ही जुड़ी हुई होती है. जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है तो इसके साथ साथ मेरी मसल्स भी मूव करती है. जैसे मेरा हाथ मूव करेगा तो इससे ये मसल जुड़ी हुई है, ये मसल भी इसके साथ साथ मूव कर रही है, ठीक है. इसके बाद में मसल्स अलोंग विद द बोन्स हेल्प अस टू हेल्प द बॉडी टू मूव इट्स पार्ट. अब जो बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं वो बोन, तो चलो बोन तो जुड़ी हुई है, बोन मूव हो सकती है, लेकिन मूव कराता कौन है, उनको खींचता कौन है? खींचना और रिलैक्स करना किसका काम होता है बच्चों? मसल्स का, ठीक है. तो मसल्स किस काम में आती है? पार्ट्स टू मूव, मूव कराने में. सब मसल्स हेल्प टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट. हम कुछ मसल्स होती है जो हैवी ऑब्जेक्ट उठाने में काम में आती है, जैसे हमारी बाइसेप की और ट्राइसेप की मसल है. हम कोई भी भारी सामान ऐसे करके उठा लेते हैं, तो ये कुछ मसल्स है जो हैवी ऑब्जेक्ट हमको उठाने के काम में आती है. तो मसल्स इन द हार्ट पंप्स ब्लड. और जो ब्लड के अंदर जो हमारा जो बॉडी में ब्लड होता है वो हार्ट की मदद से पंप होता है. जो हार्ट होता है ना बच्चों, वो भी एक तरीके की मसल से ही मिलकर बना हुआ होता है. तो मसल का और काम क्या हो गया? हार्ट में मसल पंप करती है ब्लड को, तो पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है. उसके बाद में द मसल्स इन द हार्ट पंप्स ब्लड एंड गेट सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी. इसी मदद से, हार्ट के पंप होने की मदद से, कि हार्ट में जो मसल है वो पंप हो रही है, उसकी मदद से ही पूरी बॉडी में ब्लड अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होता है और सर्कुलेट होता है. तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी जो होती है मसल इंपॉर्टेंट होती है. तो आई होप आपको स्केलेटल सिस्टम और मसल सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा. इसके बाद के सारे सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.